अभी तक हमने स्वीप, स्वेप्ट ब्लेंड एंड ब्लेंड तीन ऑप्शन जान लिए, एंड स्वीप में चल के देखते हैं एक चौथा ऑप्शन मिलता है हमारे पास, रोटेशनल ब्लेंड। तो इस सबसे पहले इस रोटेशनल ब्लेंड को हम ऊपर लिख जाते हैं, राइट क्लिक किया, मूव टू ग्रुप, यानी ये ऑप्शन अब ग्रुप में आ गया है। रोटेशनल ब्लेंड को यूज करके हमने इन दोनों प्रोफाइल्स को आपस में कनेक्ट कराया, जैसा कि इसका नाम ही है रोटेशनल ब्लेंड, एंड इसके बीच में एक एक्सिस बनी हुई है, जैसा कि रिवॉल्व के बीच में एक एक्सिस होती है। तो इस ब्लेंड को यूज करने के लिए एक एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी, जिस एक्सिस के चारों तरफ हम मल्टीपल प्रोफाइल बना के अपने उन प्रोफाइल्स को ब्लेंड करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए इस रोटेशनल ब्लेंड को हम डिलीट कर देते हैं एंड फिर से बना के दिखाएंगे आपको। रोटेशनल ब्लेंड फीचर लिया, सेक्शन टैब में आते हैं। सेक्शन टैब में आने के बाद यहाँ पे वैसे दो ऑप्शन मिलते हैं, स्केच्ड सेक्शन एंड सिलेक्टेड सेक्शन। तो अभी हम स्केच बना के देखते हैं, देन डिफाइन करते हैं इस फेस को एक स्केच बनाने के लिए। एंड यहाँ पे एक स्केच बना लिया, इसकी डायमेंशन रेडियस 15, डिलीट। ओके, कमांड से बाहर चलते हैं। जैसे ही कमांड से बाहर चलेंगे देन सेक्शन में आने के बाद देखेंगे इंटरनल एक्सिस की इसको ज़रूरत है। ओके, एक्सिस को डिफाइन करने के लिए हम इसकी जेड डायरेक्शन को एक्सिस दे देते हैं, क्योंकि जेड डायरेक्शन एकदम सेंटर में है, या फिर हम इस स्केच को बनाते समय वहाँ पर भी एक एक्सिस बना सकते हैं। अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ना दिखें तो आप यहाँ से CSY ये कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्टिवेट कर लीजिए। ओके, इतना काम हो गया। देन अगेन एक इंसर्ट करते हैं सेक्शन, और उस सेक्शन को इंसर्ट करने के बाद उसे इस एक्सिस से कितने डिग्री रिवॉल्व रोटेट करके हम वहाँ पे उस सेक्शन को बनाएंगे, देन वहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। तो ये वैल्यू हम 90 डिग्री रख लेते हैं एंड फिर से स्केच बनाते हैं। एंड यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेट पहले प्रीवियस सर्कल का स्केच दिखाई देगा, इसकी भी 100 डाया का इसे बना लेते हैं एंड ओके कर लेते हैं। तो आप देखेंगे ये दोनों इसके आपस में कनेक्ट हो रहे हैं एंड इस एक्सिस के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहे हैं। देन अगेन सेक्शन में चलते हैं, फिर से इंसर्ट करते हैं सेक्शन एंड उसे कितने डिग्री पे आप रखना चाहते हैं। चलिए इस बार हम यहाँ पर डिग्री थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 45 डिग्री रख लेते हैं एंड स्केच। एंड इस 45 डिग्री के स्केच में हम एक बड़ा सा सर्कल बना देते हैं 120 डाया का। कमांड से बाहर आते हैं तो देखिए यहाँ तक प्रोफाइल 100 डाया है, देन 120 डाया हो गई, यानी बड़ी हो रही प्रोफाइल। देन अगेन फिर से सेक्शन लिया, अगेन इंसर्ट सेक्शन एंड 45 डिग्री इसके बाद, तो टोटल 180 डिग्री में पहुँच गए एंड स्केच। इस जगह फिर से हमने 100 डिग्री का ही सर्कल बनाया। कमांड से बाहर आते हैं, कुछ इस हिसाब से ये हमारा टोटल ब्लेंड हुआ ऑब्जेक्ट। अब बाकी ब्लेंडिंग के ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में प्रीवियस वीडियो में हम ये स्ट्रेट एंड स्मूथ को बताना भूल गए थे। स्ट्रेट में ये सारे स्ट्रेट ब्लेंड होंगे, जैसे कि सीधी सीधी प्रोफाइल ब्लेंड हो रही है, एंड स्मूथ में स्मूथली ब्लेंड होंगे। तो इनका मीनिंग बस इतना सा ही है। देन टेंजेंसी, अब इनकी टेंजेंसी फ्री है, अगर टेंजेंट करेंगे इस ऑब्जेक्ट को तो टेंजेंट करने के लिए इसकी एक सरफेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर सरफेस सिलेक्ट कर देंगे एंड अभी कमांड से बाहर चलते हैं, सब कुछ बंद करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे ये दोनों सरफेस मैच हो रहे हैं, लेकिन इनके बीच में एक डिसकंटिन्यूटी दिख रही है। ये सरफेस अलग नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो स्मूथनेस नज़र आ रही है। इस चमकीली लाइन को देखिए, स्मूथ जा रही है, लेकिन यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी नज़र आ रही है। तो इस फीचर को फिर से एडिट करते हैं एंड फिर से टेंजेंसी। अगेन लास्ट वाले पॉइंट में भी हम टेंजेंट इसे बनाना चाहते हैं एंड टेंजेंट बनाने के लिए इस सरफेस को यूज करेंगे एंड कमांड से बाहर आएंगे, तो आप देखेंगे इस तरफ भी स्मूथनेस आ गई जैसे इधर है। तो ये मीनिंग है टेंजेंट का, एंड नॉर्मल का मतलब तो आप जानते ही थे पहले से ही। अब देखिए एक ऑप्शन और रह गया है, स्केच सेक्शन एंड सिलेक्टेड सेक्शन। इसका मीनिंग आप समझ लीजिए। इसका मीनिंग बताने के लिए हम पहले ब्लेंड को एक्टिवेट करते हैं, इस ब्लेंड फंक्शन को डिलीट कर देते हैं, डिलीट। ओके, हम यहाँ पे पहले अपने मन से खुद से कुछ स्केच बनाते हैं चल के। तो सबसे पहले
इस प्लेन में आपकी स्केच बनाते हैं जल्दी स्केच। अब देखिए फीचर में जाने के बाद जो स्केच बनाते थे वो हम फीचर में जाने के पहले ही बना रहे हैं हम स्केच को। ओके कमांड से बाहर एक स्केच बना लिया, दूसरा स्केच इस फेस पे बनाना है। और अगर मल्टीपल स्केच हैं तो ऐसा मत करिएगा कि एक बार में ही बना दीजिएगा उन स्केच को। कमांड से बाहर फिर से एंड एक सेंटर वाले प्लेन में स्केच बनाना था। कमांड से बाहर तीन स्केच जिन्हें हमें स्वैप्ड ब्लेंड करना है हमने पहले से ही बना लिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक्टिवेट कर दीजिए एक्सिस के लिए। अब हम फिर से रोटेशनल ब्लेंड को एक्टिवेट किया। अब यहाँ पे हमने सेक्शन में स्केच वाले ऑप्शन को ना लेके सिलेक्टेड सेक्शन को एक्टिवेट किया। सिलेक्टेड सेक्शन को एक्टिवेट करने के बाद अब हमें सिर्फ उन सेक्शंस को सिलेक्ट करना है। देन पहले सेक्शन को सिलेक्ट किया ओके, देन अगेन इंसर्ट सेकंड सेक्शन को सिलेक्ट किया, देन अगेन इंसर्ट एंड थर्ड सेक्शन को इंसर्ट किया। अब यहाँ पे एक बात को याद रखिएगा कि आप अगर स्केच से बनाएंगे तो सारे ही सेक्शन स्केच से बने होने चाहिए एंड अगर सेलेक्ट करके बनाएंगे तो सारे ही सेक्शन सारे स्केच सेलेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ सेक्शन सेलेक्ट कर लिया एंड कुछ सेक्शन स्केच कर लिए, वो ये सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट नहीं करता है।